मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर एक विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोनिया को दिग्विजय सिंह की आंटी बताया, दोनों को राम मंदिर में दर्शन करने की सलाह भी दी। कांग्रेस को लेकर कहा कि कोई माई का लाल सनातन खत्म नहीं कर सकता। इंदौर एक के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस के विधायक व प्रत्याशी संजय शुक्ला ने वार्ड क्रमांक 4 में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में तंज कसते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर वाले नेता मोटरसाइकिल पर आ गए, अब हमें उन्हें रोड पर लाना है। बता दें कि सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के प्रत्याशी बनने के बाद यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। वहीं दोनों ही प्रत्याशी रोजाना नए नए बयान दे रहे हैं। उज्जैन के शमशान में कमलनाथ को जताने के लिए चल रही तंत्र साधना पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। उन्होंने कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग जादू टोना कर चुनाव जीतना चाहते हैं, इन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है। गौरतलब है कि उज्जैन के शमशान से कमलनाथ का फोटो रखकर तंत्र मंत्र का वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पांचवी सूची जारी होने के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों से आए बदलावों का जिक्र किया है। इस चिट्ठी में लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया गया है। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं, कमलनाथ को उनके ही इलाके में आईना दिखाऊंगा। वे एक थके हुए नेता हैं। कांग्रेस प्रचार करती है कि कमलनाथ बेदाग नेता हैं, लेकिन जब जब मैं उनसे दो सवाल करता हूं तो ना तो कांग्रेस जवाब देती है और ना ही कमलनाथ जवाब देते हैं। उन्होंने आगे कहा, इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद भी उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। छिंदवाड़ा में जिस विकास को वो परिभाषा मानते हैं उसे मैं सिरे से खारिज करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।